बहुत एक्साइटेड हूँ मैं पापा। देखो जरा वो आ रही है। देखता हूँ। आ गई आ गई आ गई आ गई। जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस तरफ आ जाओ। बहुत मजा आने वाला है। सही वाला सरप्राइज है। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी बहन। मेरे भाई। सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। पापा। उमर। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। हमेशा खुशियों वाले साल जियो बेटी। आओ बैठो। चलो आओ 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 जल्दी आओ। कैंडल्स पिघल रही हैं। चलो कैंडल्स बुझाओ जल्दी। विश मांगना मत भूलिएगा। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मेरी इमोशंस वाली बेटी। फिरोजे मेरी बहन। देखो तुम मेरी अच्छी दोस्त भी हो, हम सफर हो, मेरी राजदार भी हो, बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए, मेरी उम्मीद हो, मॉम डैड मेरा सब कुछ तुम हो। तुम छोटी सी थी उमर और मेरा माँ की तरह ख्याल रखा। मैं और उमर कभी भी तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकते। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है ना? समझ गई मेरी जान से प्यारी बहन। यार ऐसे मत करो, अगर रोना है तो खुशी के आंसू बहाओ। देखो ये सारे लोग तुम्हारे लिए कितने खुश हैं। हाँ वैसे आप भी यही हैं महमद भाई। बहुत शुक्रिया सबका। तुम भी बेटा। अभी मोहसिन बाबा की तरह बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, यानी तुम कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो गई। तुम इतनी सी थी तुम्हें याद है, तुम चारों तरफ भागती थी, मैं बिल्कुल नहीं भूला। कैसे गुजर गया वक्त। अच्छा मतलब आप 24 साल की हो गई हैं इसलिए दुखी हो रही हैं। अभी तो 25 का भी होना है, फिर 26 का भी होना है, 27 का भी होना है यार, है ना। चलो ये थोड़ा सा काम। हाँ वो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? नहीं हुआ, मेरे लिए सूटेबल नहीं था। अरे छोड़े यार आपा, नुकसान तो उनका हुआ है ना। बेटी तुम तो हम सब के सर का ताज हो, खुश रहो। हाँ देखो मेरी बहन, मैं तो पहले तुमसे कह रहा हूँ कि आखिर तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या करोगी काम करके, तुम्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ जीनी चाहिए। बिल्कुल आपा, जब आप फॉरेन चली जाएंगी ना तो मैं आपके रूम को म्यूजिक स्टूडियो बना। देखो उसने मेरे कमरे के बारे में सोचना छोड़ दिया क्योंकि पता मैं नहीं जाऊंगा। दरअसल आपके कमरे के बारे में ख्यालात अच्छे नहीं है मेरे, आपा के कमरे को तो साउंड प्रूफ बनाऊंगा मैं, क्या कहते हैं सब। हाँ फिरोजे मैं क्या कह रहा था कि मेरा एक दोस्त है टीचर साथ में, उसकी भतीजी भी लंदन में रहती है, रिसेंटली वो लंदन शिफ्ट हुए हैं। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा था कि खबर कर देना, हम हेल्प कर देंगे, फिक्र मत करो। ठीक है ठीक है, स्कूल की बात देख लेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं। तुम इस वजह से दुखी हो कि मैं दूर हो जाऊंगा? मुझे तुम्हारी आंखों से सब समझ आ रहा है, मत करो ऐसे। हाँ और हमारा भी तो सोचें, हर सुबह हर शाम आपके बगैर बैठेंगे इस टेबल पर। हम समझा लेंगे, कुछ ही दिन है बीत जाएंगे। बस कर दो अब मेरी प्यारी बहन। देखो कुछ भी हो जाए हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ।